हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग, अच्छे से आपके बोर्ड एग्जाम्स जा रहे होंगे। अब हमारा लास्ट वीक रह गया है सिर्फ एग्जाम्स के लिए, और अगर जिस बच्चे ने ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्हें ये नहीं समझ आ रहा हम किस तरह से अपना सिलेबस कंप्लीट करें, जिन्होंने अभी तक इतना केमिस्ट्री पर ध्यान नहीं दिया था और आखिरी समय में टेंस हैं कि हम अपना सिलेबस किस तरह से कंप्लीट करें, उन लोगों के लिए है। बिल्कुल भी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये आपका चैनल का क्यूआर कोड है, इसे स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको इस सेशन की पीडीएफ और बाकी के जितने भी सेशन लिए मैंने आज तक उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स हैं, प्लेलिस्ट के, ऑर्गेनिक, फिजिकल वगैरह सबके लिंक्स हैं, जिसमें मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस और चैप्टर्स दोनों पढ़ाए हुए हैं। अब आपके पास अराउंड जो है 6 to 7 days बचे हैं, जिसमें आपको अगर जो बायोलॉजी वाले बच्चे होंगे उनके तो 10-12 दिन थे, पर जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं उनका 20th को मैथ्स का पेपर है, उसके बाद उनके पास सिर्फ 6 दिन होंगे अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए, मोर लेस 5 days मैं कह सकता हूँ। और अगर उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है तो ये वीडियो उनके लिए रहने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ये हैं हमारे 10 के 10 चैप्टर्स। ये 10 के 10 चैप्टर्स जो हैं मैं अब बताने वाला हूँ कि किस तरह से करने हैं। अगर मैं आपको 70 on 70 की गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अगर आप अभी भी इस चीज़ को फॉलो कर लोगे तो 55 से 60 तो कोई नहीं रोक सकता 70 में से। ठीक है, 55 से 60 के बीच में तो आपके आराम से आ सकते हैं अगर आप अभी भी मेहनत कर लोगे तो हौसला मत हारो और मेहनत करते हैं साथ में। ये तीनों आपका फिजिकल की ब्रांच है, ये दोनों आपकी इनऑर्गेनिक की ब्रांच है, और ये आपकी और जो है इन ऑर्गेनिक की ब्रांच है और ये इनऑर्गेनिक की ब्रांच है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है ये आपकी ये फिजिकल की ब्रांच। 3 चैप्टर हैं, पहले 5-6 चैप्टर हो जाते हैं, 3 चैप्टर हैं। तो सबसे पहले ध्यान अगर देना तो इस वाली ब्रांच पर देना 25 नंबरों पे। ठीक है, फिर ये 14 नंबरों पे यहाँ पर ध्यान देना, 25, 35 और 39। 39 मार्क्स के बाद ये बायोमोलिक्यूल्स हो गया आपका 4-5 नंबर का, तो 44 नंबर तो आपके यहाँ से सिक्योर हो गए। 44 नंबर के बाद 44 मार्क्स हो गए। अब 44 के बाद अगर मैंने कितने की बोली है मैंने आपको 60 मार्क्स की, तो 44 के बाद 16 नंबर बचे। अगर मैं 16 नंबर की बात करूं तो इन 16 नंबर में इस पोर्शन में से जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूं उन्हें तो आप अच्छे से मतलब रट लेना अच्छे से। बाकी एप्लीकेशन बेस्ड जाता है उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि देखो ना, जो बच्चा पूरे साल मेहनत करता है और जो आखिरी 5 दिन में मेहनत करेगा उसमें कहीं ना कहीं तो डिफरेंस आएगा ही ना। तो इन चीज़ों में आ जाती है, प्रैक्टिस का खेल आता है। अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे इन दिनों में भर भर के तो आपके भी नंबर आ जाएंगे, क्योंकि इसमें कन्वर्जेंस, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन वो सब मिक्स जाते हैं यार, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला आता है सोल्यूशंस। मैंने पहले भी बताई हुई थी स्ट्रैटेजी, लेकिन मैं एंड मोमेंट की बता रहा हूँ अब, और यकीन मानना ये सेशन बहुत फ्रूटफुल रहता है। देखो, अब इस चैप्टर्स में तो बताता चला जाता हूँ, आप सुनते जाना। नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी वगैरह अगर आपके पास समय नहीं है तो उन्हें छोड़ देना, बस एक बार डेफिनेशंस और इनकी यूनिट्स देख लेना। नेक्स्ट है सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस, हेनरीज लॉ की एक्सप्रेशन को पढ़ लेना, पीएच का आईवी वाला, बस एक्सप्रेशन देख लेना। रॉल्ट्स लॉ करके जाना है हमारे को, इंपॉर्टेंट है, रॉल्ट्स लॉ में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, रॉल्ट्स लॉ पढ़ के चले जाना और उसका एक्सप्रेशन पी नॉट माइनस पी वाला एक्सप्रेशन कर जाना। एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स की जस्ट आप ये याद रखना कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के ग्राफ देख जाना और इनके बारे में ये बस ये जो की पॉइंटर्स है ना, डेल्टा वी मिक्स क्या होता है, डेल्टा एच मिक्स क्या होता है इनका, ये चीज़ के बारे में बस पढ़ जाना कि ये चीज़ क्या होती है। डीप में मत जाना, डेप्थ में मत जाना। ठीक है, उसके बाद आते हैं ग्राफ्स। इसमें इसमें जो है ना, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन के इस तरह से ग्राफ्स होते हैं, वो ग्राफ्स की शक्ल देख जाना बस। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चारों की चारों जो होती हैं इन पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखो, ये हैं आपकी चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इन चारों के आपके फॉर्मूले तो पढ़ के जाने हैं आपको, बाकी आपकी श्रद्धा है कि आपको टाइम मिल रहा है यानी चारों के फॉर्मूले में से क्वेश्चंस आएंगे आएंगे, इस पर से न्यूमेरिकल्स बनेगा ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद डिप्रेशन, ये जो है ना KBM, KFM, इस तरह से न्यूमेरिकल्स हैं, और CRT, ये न्यूमेरिकल्स हैं, पर इनमें जो है ना इनके नाम भी याद कर जाना किसको क्या बोलते हैं, और साथ में इनके यूनिट्स, इसमें KV की क्या यूनिट होगी, KF की क्या यूनिट्स होगी, ये सारी यूनिट्स याद करके जाना। उसके बाद यहाँ डेफिनेशंस हैं, देखो कुछ आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, ये तीनों की डेफिनेशन याद कर जाना। कंपेरिजन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का अगर छोड़ना हो तो छोड़ देना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिलेटिव मॉलिकुलर मास निकालने के लिए वही ICRT आ जाता है, बस इतना याद रखना है आपको, ICRT आ जाता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है यहाँ पे, यहाँ पर क्या बात आती है, यहाँ बात आती है आपकी वेंटॉफ का वॉइस लॉग, चार्ल्स, ये सब छोड़ देना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नॉर्मल मॉलिकुलर मास, इसमें आई किस
किस तरह से वेंटर फैक्टर निकालते हैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन का, 1 + n - 1 × α करके मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, 1 + n - 1 × α करके पढ़ाया हुआ है, वो देख लेना। उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस तरह से निकालते हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर जाना मेरी मानना, इस पर एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर जाना, बाकी सारे न्यूमेरिकल एक जैसे ही होते हैं, बस एक प्रैक्टिस कर जाना। और आई में 2 एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेना, कौन कौन से, एक एसोसिएशन का और एक डिसोसिएशन का। डिसोसिएशन तो कोई भी ले लेना, एसोसिएशन कार्बोक्सिलिक एसिड में डाइमराइजेशन की जो रिएक्शन है उसका कर जाऊंगा बस, ठीक है, बाकी कोई डिटेल्स नहीं चाहिए। 4 तरह के न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस आएंगे, एक तो कॉलिगेट, एक तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर, एक फ्रीजिंग पॉइंट पर, एक बॉइलिंग पॉइंट पर, एक ऑस्मोटिक प्रेशर पर। या तो चारों के इस तरह से आएंगे या फिर इसमें वेंटा फैक्टर का आई का लगा के आएगा, इसमें आई कैलकुलेट करवा लेगा रिएक्शन के लिए, या अल्फा कैलकुलेट करा लेगा और फिर आपको क्वेश्चन दे देगा। तो इसका एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाना, बाकी सारे एक जैसे ही हैं, ज्यादा समय नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको मैक्सिमम इस चैप्टर को 2 से 3 आवर्स लगेंगे, बस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत सिलेक्टिव चीजें करनी है इसमें भी, देखो आइए देखते हैं किसमें क्या क्या करना है। ये पहला पार्ट ज्यादा जरूरी नहीं है, गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ जाना कि गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ये याद कर लेना कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसकी प्रिपरेशन, एप्लीकेशन और लिमिटेशन, इसमें जो है ना ये पढ़ के चले जाना, बस इसका वो याद कर लेना कि किस तरह से हम इसकी सेल रिएक्शन लिखते हैं और इसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन होती है। एक एग्जाम्पल आपकी इस बुक में बस यही है, जिंक और कॉपर का, इसमें सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज होता है, उसमें से क्या फ्लो करता है, आयन फ्लो करता है, KCl अगर अगर होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, ये सब सॉल्ट ब्रिज के एप्लीकेशन इसमें पढ़ के चले जाना। सेल नोटेशन में से 2 तरह के नोटेशन कर लेना, एक जो नॉर्मल सेल रोटेशन होता है एनोड और सॉल्ट ब्रिज कैथोड का, और एक जब हम प्लैटिनम यूज करके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखते हैं वो वाला करके चले जाना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या क्या फैक्टर्स जो होते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं वो देख लेना। उसके साथ साथ क्या करना है, उसके साथ साथ हमारे को करना है इसमें टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, बस ये फैक्टर्स हैं करके चले जाना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, इसके लिए होता है डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, बस यही होती है फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारे को ये जो है ना, एक बार सीरीज मैंने तुम्हें याद करने की ट्रिक बताई हुई है, नहीं है तो प्लेलिस्ट में देख लेना, जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर है उसमें देख लेना ट्रिक को। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बस इतना याद रखना, जो जितना ऊपर होता है और जो जितना नेगेटिव होगा सीरीज के अंदर, वो उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन अंडरगो करना चाहेगा और वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो नीचे होगा वो उतना अच्छा आपका रिडक्शन करना चाहेगा, वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऊपर वाला क्योंकि ऑक्सीडेशन करना चाहता है तो वो एनोड की तरफ जाएंगे, ऊपर वाले जितने भी होंगे, नीचे वाले जो होंगे वो कैथोड की तरफ जाना पसंद करेंगे। और डेल्टा जी जो है फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, तो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी का जो आपका जो है 2.3 - 2.303 RT log KC वाला, वो आपको याद करना है, उसमें से स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन और फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन उसमें से आएगी। उसके बाद नर्स्ट इक्वेशन में से 2 नर्स्ट इक्वेशन याद करनी है, पहली नर्स्ट इक्वेशन जो नॉर्मल होती है आपकी, जिसमें आप ई नॉट ऑफ सेल निकालते हो फिर ई ऑफ सेल निकालते हो, एक तो वो वाली नर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड नर्स्ट इक्वेशन होती है जिसमें हमारा कॉन्सेंट्रेशन सेल आ जाता है। कॉन्सेंट्रेशन सेल होता है जब दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है सेम सब्सटेंस की, तो ई नॉट ऑफ सेल तो 0 हो जाता है उसके इसमें, क्योंकि सेम है कॉन्सेंट्रेशन, ई नॉट ऑफ सेल 0 हो जाएगा तो आपका ई ऑफ सेल निकल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन C2/C1 की, जहाँ पर C2 बड़ी होती है C1 से, सब पढ़ाया हुआ है, अगर नहीं आता हो तो आप देख सकते हो इस वीडियो में जो मैंने पिन करी हुई है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद बात आती है न्यूमेरिकल्स पर, न्यूमेरिकल्स में आपको जो मैं बता रहा हूँ उसमें से 3 तरह के न्यूमेरिकल देखने हैं। पहला तो आप नॉर्मल न्यूमेरिकल देख लेना जिसमें हम नर्स्ट इक्वेशन से निकाले हैं, सेकंड देख लेना कॉन्सेंट्रेशन सेल किस तरह से सॉल्व हो रहा है, और थर्ड देख लेना जिसमें जो है फ्री एनर्जी और आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट करा, या तो डेल्टा जी की वैल्यू गिवन होगी केसी कैलकुलेट करा लेगा, केसी की वैल्यू गिवन होगी डेल्टा जी कैलकुलेट करा लेगा, ठीक है। और इस पास से अच्छा खासा 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल बनता है, तो इसे करके जाना, ठीक है। मेटलिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का चाहे भले ही छोड़ जाओ, कोई जरूरत नहीं है, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के ये सबके फॉर्मूले पढ़ जाना। देखो ये जो है ना मैंने इकट्ठे फॉर्मूले बताए होते हैं, इनके फॉर्मूले कर जाना, जैसे रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, उसके बाद 1/ रेजिस्टेंस हो गया आपका कंडक्टेंस, उसके बाद कंडक्टिविटी क्या होगी, कापा हो गई, ठीक है ना, कंडक्टिविटी होगी कापा हो गई, ये 4-5 फॉर्मूले हैं। उसके बाद मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है, ये होता है कापा इंटू 1000 अपॉन आपकी मोलारिटी, मोलारिटी यह होता है कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मैलिटी। उसके बाद ठीक है इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, है ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ये इनकी यूनिट्स होती हैं, ये सब जो है कंबाइंड आता है एक क्वेश्चन इस पर 3 मार्क्स का, तो इसे भी देख के जाना है आपको, इसमें समय नहीं लगेगा, जिसमें समय लगेगा जो फालतू की चीज़ें मैं ऑलरेडी बता दूंगा कि क्या है। उसके बाद है आपकी कोल्ड रोशनी, इसका एप्लीकेशन और इसकी एक आपको ग्राफ मिलेगा ऐसे बुक में, देखो इस तरह का मैंने भी कराया हुआ है ये ग्राफ आपको,
इस तरह का एक ग्राफ मिलेगा, तो ये वाला ग्राफ करके जाना, ठीक है। उसके बाद फैराडेज लॉ में सिर्फ दो लॉज हैं, उनके भले ही एक्सप्रेशन याद नहीं हो, फॉर्मूले याद रख लेना, एम इक्वल टू जेड आई टी और एम वन अपॉन एम टू, जो आपका रेशियो होता है, रेशियो का एक लॉ होता है, वो दोनों फैराडेज के करके कर जाना। और आपको समय नहीं मिले तो फर्स्ट लॉ कर जाना, सेकेंड छोड़ जाना, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बैटरीज में अगर आपको नहीं मिले समय तो छोड़ जाना, सिर्फ फ्यूल सेल कर जाना, बस फ्यूल सेल इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट कोरोजन में फैक्टर अफेक्टिंग कोरोजन और इसका प्रिवेंशन, बस इतना कर जाना, और अगर सही समय में मिले तो मत कर जाना, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में क्या करना है हमारे को, पहला छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब में से इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट क्या होती है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट पढ़ाए हुए हैं, वीडियो अगेन प्लेलिस्ट में है, देख सकते हो। इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट और फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये हो जाएगा। ये लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन याद कर जाना बस। उसके बाद यहाँ पर रेट इक्वेशन किस तरह से लिखते हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो है फर्स्ट ऑर्डर, सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर, बाकी हमें करना जो है वो जीरो ऑर्डर है और सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो तुम्हें तीनों करके जाना चाहिए, पर अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर करके जाना। और इसके लिए इसका एक्सप्रेशन, इसका फॉर्मूला, इसकी हाफ लाइफ, इसका ग्राफ, इसका दूसरा इंटीग्रेटेड लॉ इक्वेशन, ठीक है, और पूरा जो है ना हर चीज आपको तैयार होनी चाहिए इसके लिए। उसके बाद टी हाफ निकालना आना चाहिए, टी हाफ किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तीनों में जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, तीनों में टी हाफ किस पर डिपेंड करता है वो याद आना चाहिए। ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी के बीच में डिफरेंस याद आना चाहिए। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है रेट कांस्टेंट डिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, डेरिवेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर के बीच में आपको डिफरेंसेस आना चाहिए, मॉलिकुलर डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इसमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का कुछ नहीं करना है, बस एक दो ग्राफ बने होंगे बुक में, देखो मैंने भी कराए हुए हैं, ये एक ऐसा ग्राफ है और एक ऐसा ग्राफ है, ठीक है। ये दोनों ग्राफ के बारे में पढ़ के जाना है। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है ना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होता है, अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है वो पढ़ के जाना है, ठीक है। कोलिजन थ्योरी नया टॉपिक है, सीबीएसई में होता था पहले, अब आईसीएसई में भी आ गया है। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको इसमें याद रखना है कि इफेक्टिव कोलिजन क्या होती है, इसका ये चीज पढ़ जाना, बाकी चीजें छोड़ देना। उसके बाद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जो होता है प्रॉपर ग्राफ एंड लेबलिंग, ये मैंने आपको पहले बता दिया। मैकेनिकल एलिमेंट्री रिएक्शन, इस समय क्या करना है आपको, इसमें आपको जो है ना ये यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, इस पार्ट में कुछ ऐसा है नहीं। नेक्स्ट है इस पार्ट को सब, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट में क्या होगा, देखो दो एक चीज, दो न्यूमेरिकल्स आते हैं दो पार्ट से। पहला पार्ट आएगा जिसमें आपको डिवाइड करके ना वो निकालना पड़ेगा आपका रेट, एक मिनट रुक जाना यार। हाँ प्यास लग रही थी, गर्मी हो गई है ना। हाँ तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें आर्हेनियस इक्वेशन पर, इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन आता है इस पर, इस पर क्वेश्चन आता है लॉग के टू बाई के वन वाला जो फॉर्मूला है ना, उस पर क्वेश्चन आता है। अगेन वीडियो में सब कुछ कराया हुआ है मैंने यार, सब कुछ करा रखा है, तुम्हारे तुम देखो तो सही, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आएगा और इसमें जो है ना आपको ग्राफ पता होना चाहिए। ग्राफ के बाद इसमें कॉन्स्टेंट क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट क्या है जो है ना आपका, और आपका स्लोप क्या होता है ग्राफ का, ये सब आना चाहिए। न्यूमेरिकल इस पर ही आएगा, ठीक है। तो इस पर एक एक दो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर जाना, ठीक है। उसके बाद आता है डीएनएफ ब्लॉक। डीएनएफ ब्लॉक किस तरह से करोगे वो देख लेते हैं। डीएनएफ ब्लॉक में यहाँ पर देखो, इसमें आपको मेटेलिक करेक्टर, एटमिक रेडियस, आयनाइजेशन एरिया, ये सब कलर कॉम्प्लेक्स, अलॉय फॉर्मेशन, ये सब ना प्रॉपर्टीज हैं। और इसमें आपको प्रॉपर्टीज का वो नहीं करना, आपको करने हैं इसमें एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं, नॉर्मल तो सबको ही बता देगा, आपको एक्सेप्शंस याद रखने हैं कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं। जिंक वगैरह के जो एक्सेप्शंस होते हैं ना वो आपको याद रखने हैं, इसके अंदर जिंक वगैरह के क्या एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। देन है आपका एफ ब्लॉक, इसके अंदर आपको क्या करना है, 4F एंड 5F सीरीज, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और इसमें एक एक्सेप्शन यहाँ होगा। और सेकेंडरी इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है डीडी ट्रांजिशन, हर चीज में जहां भी कॉम्प्लेक्स बनना है डीडी ट्रांजिशन है, चिपका देना डीजी ट्रांजिशन को हर जगह। वेरिएबल बैलेंसिंग कलर्स याद कर लेना है ना, कलर कॉम्प्लेक्सेस के साथ डीजी ट्रांजिशन, हर चीज में डीजी ट्रांजिशन। एक मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है रूट एन एन प्लस टू, क्या कहते हैं, बोर मैग्नेटॉन बी एम ना, वो देख लेना। नेक्स्ट इसके अंदर कलर कॉम्प्लेक्स, अलॉय फॉर्मेशन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और इसका कॉन्सिक्वेंस, ये इंपॉर्टेंट चीज है, और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन और इसके
जो है ना कंपैरिजन, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, बाकी इसके अंदर बाकी कोई ऐसी चीज इंपॉर्टेंट नहीं। दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पता करके जाना, डी ब्लॉक की नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और एफ ब्लॉक की क्या होती है, पहले एलिमेंट किस में जाता है, ठीक है। और इसमें ये वाला पार्ट भी सच इसमें तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो है ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसका और यूजेस इन रिडॉक्स, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर तीनों मीडियम में और यूजेस इन रिडॉक्स, किस तरह से यूज करते हैं, रिडॉक्स ट्रांजिशन होती है ना, क्योंकि ये सेल्फ इंडिकेटर होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, हमने एसिड बेस की ट्रांजिशन करी होती है लैब के अंदर, जिसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड डाल के थोड़ी वार्म करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस तक ट्रांजिशन करते हैं, इसके केस में वही है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरे केमिस्ट्री का, क्योंकि ये चैप्टर अकेला आपका 10 नंबर का आएगा, और 10 नंबर में से सबसे पहले तो देखो, अब इसमें ये मत कहना कि ये छुड़वा रहे हो या सब कुछ बता दिया, क्योंकि इस चैप्टर में से आएगा। देखो सबसे पहले तो आपको लिगेंड्स पता होने चाहिए, कौन कौन से आपके लिगेंड्स होते हैं, वरना तुम नॉमिनेशन नहीं कर पाओगे, तुम जो है कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकाल पाओगे, ना ही तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाओगे। तो सारे लिगेंड्स पढ़ लेना, आईयूपीएससी नेमिंग की प्रैक्टिस कर लेना, छोड़ना हो तो आईयूपीएससी नेम छोड़ देना, पर ये याद कर लेना 3 नंबर की आएगी यूपीएससी नेमिंग, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ है नहीं है ऐसा, ठीक है। आइसोमेरिज्म 3 नंबर का आएगा, देख लेना तुम अपने हिसाब से, ठीक है, कि कुछ वो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट अगर छोड़ना हो तो छोड़ देना 3 नंबर की, अगर तुम्हें नहीं हो रही तो 3 नंबर का छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये पार्ट मत छोड़ देना, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले तो वो पूछेगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, फिर उसमें पूछेगा आउटर ऑर्बिटल है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, फिर वो पूछेगा मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा है, डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है, फिर पूछेगा ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल है, ठीक है, ये सब चीजें करके जानी है। तो ये पार्ट पूरा ही अकेला 4 नंबर का है, तो ये पार्ट करके जाना, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो है ना स्प्लिटिंग होती है, जैसे जो है ना वही स्प्लिटिंग होती है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की, वो देखनी है आपको, छोड़ना है तो छोड़ देना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कलर मैग्नेटिक कैरेक्टर इसमें करके जाना है, ठीक है। स्टेबिलिटी नया पार्ट है, कुछ नहीं होता स्टेबिलिटी के, बस कॉन्स्टेंट जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट एंड यूजेस भी एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इसमें मेन पार्ट है वो वीबीटी वाला यही पार्ट है, ये पार्ट है न्यूमेरिकल्स, वो आईयूपीएससी और आइसोमेटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब ये पार्ट जो है ना, देखो भाई मैं तो मैंने सबसे कम बता रहा हूँ इस पार्ट में, लेकिन ये मैं समझना कि ये सिर्फ यही होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड आएंगी, क्वेश्चन तुम्हारा फंस गया एग्जाम में तो हमारे को कोई नहीं बचा सकता उसके बाद। तो कोशिश करना जो मेरे लेक्चर्स मेरे प्लेलिस्ट में हैं वो देख लेना, आईएससी 12th नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें प्रहार है, प्रहार उसमें मैंने मिक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं, और अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं तुम्हारा कराऊंगा प्रहार वाले लेक्चर क्वेश्चंस, ओ मिक्स क्वेश्चंस, तो जो है ये प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, उसमें से अगर टाइम नहीं मिल रहा तो। देखो भाई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिपरेशन ऑफ हाइल, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉमिनेचर का कोई नहीं पूछता इनका। देखो एक अल्कोहल किससे किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, एल्किन किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन, मोर्ट्ज़ेका रिएक्शन, ये चारों तो नहीं रिएक्शन रट जाए, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें SN1 SN2 देख लेना, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस तरह से होती है वो देखना, अमोनिया के संग रिएक्शन, प्राइमरी अमीन के संग रिएक्शन, पोटेशियम साइनाइड के संग, सिल्वर साइनाइड के संग, ठीक है, और सिल्वर सॉल्ट के साथ और LAH के साथ, ये सारी रिएक्शन देख लेना। अगर ज़्यादा लग रही हो अगेन प्लेलिस्ट में वीडियो है, देख लेना कौन कौन सी कराएंगे, वो वाली कर लेना, बाकी छोड़ देना, ठीक है। और हर कोई भी प्लेलिस्ट 40-40 मिनट से ज़्यादा की नहीं है। एलिमिनेशन में सीड्सर रूल करके ही जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। वुड्स रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सैंडमियर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सब छोड़ देना, ये सब छोड़ देना। रिप्लेसमेंट विद क्लोरीन, ये जो है ना ये कर जाना, न्यूक्लियोफिलिक इस तरह से करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक भी कर जाना, सेम ही होती हैं, ठीक है। रिडक्शन टू बेंजीन इंपॉर्टेंट है, वुड्स फिटेग इंपॉर्टेंट है, फिटेग इंपॉर्टेंट है, ये सब नेम रिएक्शन है, ये कर लेना। एडिशन रिएक्शन कर लेना, स्ट्रक्चर एडिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि आया हुआ है तभी देख लेना, अगर जो है ना सो है इसका, सो है, क्या कहते हैं, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, टाइम मिले तो कर लेना, ठीक है। देखो आगे नया आ गया चैप्टर, अल्कोहल फिनॉल्स वाला चैप्टर आ गया। अल्कोहल फिनॉल्स में देखो क्या क्या करना है। अल्कोहल फिनॉल्स में क्लासिफिकेशन इनका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफरेंशिएट इन इंपॉर्टेंट नहीं है, हाइड्रेशन ऑफ एल्किन से ये इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिसिस से ये इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन से ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, सारी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है इसकी, कोई भी नहीं छोड़ सकते। अगर तुम्हारे को फिर भी लगता है कि कौन सी इंपॉर्टेंट है वो बता दूँ, तो ये हाइड्रेशन ऑफ एल्किन से ना, और ये ग्रिग्नार्ड है, ये दोनों करके चले, ये जो है ना ये दोनों वाली ये कर जाना, बाकी देख लेना फिर अपना, ठीक है। उसके बाद इसमें एसिडिक नेचर इंपॉर्टेंट है,
एसिड डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट है, पीसीएल बीसीएल फाइव के संग इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, एसिड क्लोराइड के संग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पूछोगे तो डिहाइड्रेशन विद मैकेनिज्म, क्वेश्चन एग्जाम में हजारों बार आया हुआ है, ऑक्सीडेशन हजारों बार आई हुई है, और एसिडिक नेचर इस पर क्वेश्चन होते हैं, ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ वन अल्कोहल टू अनदर, इस पर क्वेश्चन आए करके जाना है, ल्यूकास टेस्ट भी करके जाना है हमारे को। ठीक है, अब बात ये थी फिनॉल्स में, तो डाउस प्रोसेस करके ही करके जाना है, उसके बाद क्यूमीन से रिएक्शन करके करके जानी है, एसिडिक कैरेक्टर फिनॉल्स का करके करके जाना है, जिंक के संग रिएक्शन करनी है, उसके बाद एसिडिक एनहाइड्रेट वाली रिएक्शन करनी है, उसके बाद राइमेटिमिन रिएक्शन करनी है, और उसके बाद एजोडाइड टेस्ट करना है, इतना पार्ट करके जाना है। ठीक है, ईथर्स में कुछ करो नहीं करो, विलियमसन रिएक्शन करके चले जाना बस। ठीक है, उसके बाद बात आती है एल्डिहाइड कीटोन्स की, प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो चैप्टर तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सब में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक का। इसमें अगर तुम्हें करनी है तो एल्कोहल से करके जानी है, ओजोनोलिसिस करके जानी है, रोजनमिन रिडक्शन करके जाना है, क्या कहते हैं बाकी, ये तीनों तो करके करके जानी है, बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है, और जो है स्टीफन रिडक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक में एनी वन रिएक्शन कर लेना, बाकी सब उसी के जैसे ही होती है। ठीक है, एक रिएक्शन कर लेना, सारी हो जाएंगी इससे, तब में कुछ नहीं करना है, वो क्या कहते हैं एच टू एन जेड, बस ये इस टाइप का ही होती है, उसमें आपको बस कुछ नहीं करना होता, ज्वाइन करना होता है बस। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और आइडोफॉर्म रिएक्शन ये करके जानी है। ठीक है, क्लेमेंसेन वॉलक्रिशना रेड फॉस्फोरस करके ही जानी है, एल्डोल क्रॉस एल्डोल कैनिजारो करके ही जानी है, इसमें कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इसका, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा इसमें। तीन टेस्ट करके जाने हैं आपको, टॉलिन फेहलिंग और आइडोफॉर्म, ये तीन करके ही करके जाने हैं, बाकी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये सब छोड़ देना यूजर्स, ये सब क्रोमाइल क्लोराइड वगैरह ये सब छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन कर लेना, और ये बेंजोइन परकिन रह गई थी ना, बेंजोइन परकिन कर लेना, बाकी सब छोड़ सकते हो। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में दो चीज़ें करनी करनी है, एक तो देखो ये करना है आपको एसिडिक कैरेक्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक कैरेक्टर जो आ जाता है, और एक आपको करनी है इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है HBZ रिएक्शन, बाकी आपकी टाइम पर है। ठीक है ना, आपको टाइम मिलता है तो कर लो, वरना नहीं कर मत करना। ठीक है, अगर आपको टाइम मिलता है और आप सोच रहे हो क्या करना है, तो उसके लिए भी वीडियो बनी हुई है, अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर 2024 ऐसी भी वीडियो बनी है, और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स करके, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स करके भी एक वीडियो बनी हुई है, दोनों वीडियो में आप देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे इसमें आपको जो है ना साइनेट से प्रिपरेशन, हॉफमैन डिग्रेडेशन, ये दोनों, और क्या कहते हैं गैब्रियल थायरामाइड, ये तीन रिएक्शन तो करनी का नहीं, बाकी अगेन टाइम की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। इसकी फिजिकल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इसका डिस्टिंग्विश करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक कैरेक्टर आपको देखना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नाइट्रस एसिड, कार्बाइल अमीन रिएक्शन और हिंसबर्ग रिएक्शन, ये तीन टेस्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। देन एनिलीन में आपको डायोजेटाइजेशन आना चाहिए, बेंजोइलेशन आना चाहिए। ठीक है, टेस्ट फॉर एनिलीन आपको आना चाहिए, एजोडाइड टेस्ट होता है येल्लो कलर का, उसमें ऑरेंज था इसमें येल्लो होता है। ठीक है, आइसोसाइनेट का मैंने बताई दिया आपको होना चाहिए, और इसके अंदर एक रिएक्शन है बालशीमन रिएक्शन करते हैं, ये देखो ये आनी चाहिए आपको। ठीक है, इसके अंदर फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कर लेना ओपन और रिंग, और रिएक्शन में दो रिएक्शन तो कर ही लेना, एक तो HI के संग रिएक्शन, ठीक है, और एक ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन। ठीक है, ये कर लेना, ये देखो ये यहाँ लिखा है इक्वेशन के साथ, तो दो रिएक्शन हैं, ये दो रिएक्शन तो कर ही लेना, बाकी तुम्हारी मर्जी है, और इसमें ओपन और क्लोज वाली। डायसेक्राइड में आपको चाहे स्ट्रक्चर आते हैं नहीं आते हो, सिर्फ दो चीज़ें पता होनी चाहिए इसमें, एक तो इनके मोनोसेक्राइड कौन से हैं, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज से बनाए, अल्फा डी प्लस बीटा डी से बनाए, या गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बनाए, ये सब बताना चाहिए। और सेकंड चीज इसमें लिंकेज, कि जैसे इनमें अंदर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, अमीनो एसिड्स का पेप्टाइड लिंकेज होता है। ठीक है ना, उसके बाद प्रोटीन ये होना चाहिए। प्रोटीन्स में दो चीज़ें अगेन है, एक तो ज्यूटेराइन फॉर्मेशन और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, इनके बारे में और इनकी डेफिनेशन, और सेकंड प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर्स, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी टर्शियरी और क्वार्टरनरी होते हैं, बस इतना पता होना चाहिए आपको। बस डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में एक डेफिनेशन है, वो पता होना चाहिए। वाइटामिन में कुछ नहीं पढ़ना, टेलीग्राम ग्रुप पर जाओ, एक चार्ट बना रखा है मैंने, एक फोटो है चार्ट की, उस चार्ट को रख लेना, वाइटामिन पूरा हो जाएगा। ठीक है, और ये बताना चाहिए वाटर सॉल्युबल है कि फैट सॉल्युबल है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हैं,
एक तो प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स कौन कौन से होते हैं ये बताना चाहिए, प्यूरिन्स के अंदर कौन सा होता है, पिरिमिडिन्स के अंदर कौन सा होता है, और डीएनए आरएनए के बीच में डिस्टिंग्विश कर देना, इससे हो जाएगा। क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग है, 5 से 6 नंबर का चैप्टर आएगा और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, 1 घंटे में निपट जाएगा चैप्टर, तो ये चैप्टर करके जाना, बाकी कुछ नहीं है ऐसा। कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और क्या कहते हैं, अगर चैनल पर नए हो तो कुछ नहीं करना, इस बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आपको और भी वीडियोस ऐसी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।